नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक बड़ा टॉपिक लेकर आपके पास आया हूं। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही खास है। आज हमारे पास एक Realme C21 का MTK बेस का एक फ़ोन है जो कि ऑटो MTK पोर्ट ले रहा है और कस्टमर को उसका डाटा बहुत ही अर्जेंट है। तो इस कंडीशन पर जो टेक्नीशियन हमारे पास सेंड किए हैं उन्होंने इस पर सब कुछ काम कर दिए, यानी कि पावर IC, CPU रिवॉल, EMMC रिवॉल, BQIC चेंज, ये सब कुछ उन्होंने कर चुके हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट कुछ वही MTK पोर्ट पे है तो उन्होंने मेरे पास सेंड किए हैं। आज हम इस वीडियो पे इसको चेक करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये कहाँ से इशू है और इस तरह से प्रॉब्लम कैसे फाउंड किया जाता है। तो पहले हमारा काम है चार्जर लगा के, चार्जर केबल लगा के चेक करेंगे कि इस पर हमारी कितनी एम्पियर कंज्यूम करती है चार्जिंग के टाइम पे, क्योंकि एक DC पावर सप्लाई और एक चार्जिंग, ये दोनों पे हमारा 50% काम हो जाता है। जब यहाँ से हम चार्जर लगाते हैं तो कुछ भी यहाँ से एम्पियर नहीं लेता है। जब यहाँ से एक बैटरी को लगाए देते हैं तो ये 0.06 पे लॉन्ग टाइम, जितने भी टाइम आप इसको चार्ज पे बैठा हो उसी तरह से 0.06 एम्पियर पे इस तरह से एम्पियर रहता है। जो इस तरह से मिली एम्पियर हमारी कंज्यूम करती है, तो ऐसे ही हमको पता चल गया है कि ये EMMC रिलेटेड है या फिर इस पर सॉफ्टवेयर इशू है या फिर वो पावर सेक्शन से इसका शायद कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो पे, मैं सोचता हूँ। यहाँ से हम DC पे लगा के चेक करते हैं कि DC पावर सप्लाई पे हमारा कितना रीडिंग लेता है ऑन करने के टाइम पर। ये देखिए, जब हमने पावर की को प्रेस कर रहे हैं तो 122, ये देखिए फिर नीचे चला आया, फिर 107, इस तरह से कुछ मिली एम्पियर लेके स्टक रहता है। और एक बार चेक करते हैं, क्योंकि मैं बार बार इसको चेक कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतने 2-3 बार चेक करने की क्या ज़रूरत है। मैं 2-3 बार इसीलिए चेक कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको प्रॉब्लम प्रॉपरली पता चले कहाँ से इशू है। ये देखिए, ये कुछ एम्पियर लेके स्टक रह रहा है। तो इस कंडीशन पे हमारा कहाँ से इशू है और ये प्रॉब्लम को कैसे हम फाउंड कर सकते हैं, इस वीडियो पे हम आज रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ एम्पियर लेता है, फिर नीचे कुछ चला जाता है, फिर स्टक रहता है। तो इस कंडीशन पे हमारी RAM नॉट कनेक्टेड, हमारी जो इतने भी टेक्नीशियन की भाषा से हम इसको RAM नॉट कनेक्टेड या फिर RAM की कोई फॉल्टी हो, क्योंकि स्टक रहता है। अगर RAM की फॉल्टी होगा तो RAM की कंडीशन पे हमारे कुछ एम्पियर लेके जीरो हो जाता। अब दोस्तों, मदरबोर्ड को हम माइक्रोस्कोप से चेक कर लेते हैं कि इस पर कितना काम हुआ है। इसका BQ सेक्शन पे काफ़ी काम हुआ है, पावर IC वगैरह और CPU, EMMC सब पे सब काम हुआ है। हमारी DC मशीन की रीडिंग और चार्जर की रीडिंग को देखते हुए हम पहले इसका EMMC को ओपन करेंगे। EMMC को ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे EMMC का हेल्थ चेक करेंगे और EMMC सही है कि नहीं वो भी चेक करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी EMMC से रिलेटेड है। क्योंकि कुछ एम्पियर लेके स्टक रहता है, यानी कि इसका RAM नॉट कनेक्टेड या फिर इसका RAM भी ख़राब हो सकती है। ऐसे ही दोस्तों, इस पर SK Hynix का EMMC लगी है तो इसको बोल नहीं सकते कि ये पूरा कम्प्लीटली ओके है। तो यहाँ से हम थोड़ी सी साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम EMMC को चेक करेंगे, एक्चुअली EMMC सही है या फिर इस पर हमारी कुछ अदरवाइज हार्डवेयर इशू है। तो जब तक हमको EMMC का हेल्थ हमको पता नहीं हुआ तब तक इस पर काम नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम UEFI ओपन करेंगे और जो हमारी EMMC है इसको एक बार यहाँ से स्कैन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों, SK Hynix का जो हमारी EMMC होती है वो विदाउट डायरेक्ट चेक पे भी नहीं लेता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट चेक कर लगा के फिर एक बार आइडेंटिफाई करेंगे EMMC ख़राब तो नहीं हो गया जब हम ओपन किए। नहीं दोस्तों, EMMC सही है। ये देखिए, ये इसका जो एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मेरे को लग रहा है कि इस पर कोई फॉल्टी नहीं है, क्योंकि कस्टमर को डाटा अर्जेंट है। यहाँ से हम कुछ फॉर्मेट वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ उसका हेल्थ चेक करेंगे।
हेल्थ सही है कि नहीं। यहाँ से अगर हेल्थ सही होगा तो यहाँ से फिर हम मेमोरी को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमारी सेकेंडरी लॉजिक कार्ड यानी कि SLC नॉट डिफाइंड है और हमारी MLC ओके है। हमारी मास्टर लॉजिक कार्ड यहाँ से ओके है लेकिन सेकेंडरी लॉजिक कार्ड में कुछ गड़बड़ है। यहाँ से आपको कैसे पता करना है कि हमारी EMMC कम्प्लीटली सही है? आपको एक तरीका बता देता हूँ दोस्तों। जो भी EMMC आपके पास आए, आप मानो कि उसका 60-70% उस पर चला गया है, उस टाइम से भी आप नॉन्थ टेस्ट करना। अगर नॉन्थ टेस्ट आपके सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ से कुछ भी सॉफ्टवेयर का काम कुछ भी मत करना, वही EMMC को फिर पेस्ट कर देना। आप उस टाइम से समझ लेना कि वो आपके हार्डवेयर इशू है, वो बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर इशू नहीं है। ये देखिए, ये नॉन्थ टेस्ट हमारी रैंडम रिपेयर, जो हमारी रैंडम चेक होती है EMMC की, यहाँ से सक्सेसफुल हमारी ओके है। तो यहाँ से हम फिर एक बार EMMC को पेस्ट कर लेंगे। क्योंकि कस्टमर को डाटा चाहिए तो यहाँ से हम मदरबोर्ड को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम EMMC को यहाँ से पेस्ट करेंगे। EMMC पेस्ट करने के बाद हम पावर IC से उसका वीरेज आउटपुट को चेक करेंगे। इस पर हमारी VRAM की सप्लाई बनता है कि नहीं, और 1.8 और 2.8 हमारी VCC और VCCQ यहाँ से आउटपुट होता है कि नहीं, ये सब कुछ वोल्टेज हमको ट्रेस करना है। अब यहाँ से तो हमारी EMMC बैठ गई है। अब हमारी तसल्ली के लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वही सेम कंडीशन पे है या नहीं है। ये देखिए दोस्तों, वही 122 mA पे स्टॉक रहता है। तो ये हमारी सही कंडीशन पे अभी भी है, अभी भी हमारी पोर्ट बन रहा है। अब दोस्तों हम पावर IC के पास चले जाएंगे। पावर IC यहाँ से हम चार्जर फ्लेक्स लगाकर, यहाँ से कस्टमर ने हमको तो बैटरी वगैरह नहीं दी है तो हम चार्जर लगा के ही टेस्ट करेंगे। यहाँ से हम चार्जर लगा के पावर IC के पास वीरेज आउटपुट सप्लाई को चेक करेंगे। अगर यहाँ से हमारी वीरेज आउटपुट सब कुछ ओके है तो आगे हम ट्रेस करेंगे ये कहाँ से इशू के वजह से हमारी इस तरह से है। जो हमारी SLC नॉट डिफाइन बता रहा था, उस कंडीशन पे शायद कुछ टेक्नीशियन समझते हैं कि, मेरे ख्याल से मैं भी आपकी जगह पर होता तो मैंने पहले ही सोचता है कि SLC तो ख़राब है, SLC नॉट डिफाइंड है, उसका हेल्थ ख़राब हो सकती है। लेकिन नहीं दोस्तों, जब तक आपकी EMMC नॉन्थ टेस्ट ओके ले रहा है, रैंडम रिपेयर हो रहा है सक्सेसफुल, उस कंडीशन पे बिल्कुल भी EMMC की तरफ मत भागिए, क्योंकि EMMC ओके है। अगर EMMC ओके नहीं होगा तो आपके नॉन्थ टेस्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। यहाँ से वीरेज आउटपुट सप्लाई को चेक करने का मतलब है दोस्तों, हमको पता होना चाहिए कि 1.1 वोल्ट और 0.6 वोल्ट यहाँ से आउटपुट हो रहा है कि नहीं। मैं 1.1 वोल्ट और 0.6 वोल्ट को क्यों आपको बताया, और तो वीरेज सप्लाई है दोस्तों। EMMC पे हमारी RAM और ROM अटैच है। अगर डुअल लेकर होता तो इस कंडीशन पे हमारी RAM अलग से बैठे होगी और ROM अलग से बैठे होगी। यहाँ से जो हमारी लगी है EMMC लगी है, तो RAM और ROM एक साथ है। तो RAM को हमारी 1.1 वोल्ट और 0.6 वोल्ट मिलने से फ़ोन ऑन होता है, और हमारी ROM को 1.8 वोल्ट और 2.8 वोल्ट, जो कि हमारी VCC और VCCQ। अगर इस जगह पर आपको UFS लगा होगा तो यहाँ से और एक वोल्टेज ऐड हो जाएगा, VCCQ2 शायद 1.1-1.2 वोल्ट। तो यहाँ से मुझको लग रहा है कि आउटपुट वगैरह सब कुछ ओके है, क्योंकि वीरेज आउटपुट 1.1 वोल्ट और 0.6 वोल्ट भी यहाँ से आ रहा है, और 2.8 वोल्ट भी शायद थोड़ी देर पे हम चेक कर लेंगे 2.8 वोल्ट यहाँ से आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से 2.8 वोल्ट आ रहा होगा तो 1.8 वोल्ट तो यहाँ से बराबर आ रहा है, और जितने भी आउटपुट सप्लाई वी कोर और वी मॉडेम की लाइन भी यहाँ से ओके है। तो यहाँ से मुझको लग रहा है कि हमारी वीरेज आउटपुट सेक्शन पर कुछ भी इशू नहीं है। तो एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि 2.8 वोल्ट यहाँ से आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ से 2.8 वोल्ट भी आ रहा है। तो यहाँ से जितने भी हमारी सेक्शन है वीरेज सेक्शन, ये वीरेज सेक्शन पे हमारी जितने भी वोल्टेज मिलना चाहिए, ये वोल्टेज यहाँ से बराबर मिल रहा है। हमारी SOC क्रिस्टल को जितना वोल्टेज मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है।
तो यहाँ से हम ऑपोजिट साइड पे चेक करेंगे हमारी ईएमएमसी के पास, वो जितने भी वोल्टेज हमको पावर आईसीसी मिलता है 1.1 वोल्ट और 0.6 वोल्ट हमारी रैम को और हमारी रोम को 1.8 वोल्ट और 2.8 वोल्ट, ये सब सप्लाई यहाँ से मिल रहा है कि नहीं। अगर ये सब सप्लायर हमारी ईएमएमसी के पास मिलता होगा तो ये क्या प्रॉब्लम की वजह से इस कंडीशन पे है, इसको चेक करेंगे। तो पहले हम अपोजिट साइड पे चेक करेंगे, यहाँ से हमारी 1.1 वोल्ट और हमारी 0.6 वोल्ट अगर यहाँ से मिलता है तो आगे हम ट्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ से कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये कौन सा लाइन है चेक कर लेंगे। ये 1.1 वोल्ट की लाइन है, ये 1.1 वोल्ट यहाँ से बराबर मिल रहा है, यहाँ से कुछ इशू नहीं है। ये जो पहले जो कैपेसिटर पे हमने चेक किया है उस पर कुछ भी वोल्टेज नहीं मिला है, लेकिन 1.1 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से मिल रहा है, उसको हम सिमेस्टिक के थ्रू चेक कर लेंगे। यहाँ से 3.0 वोल्ट मिल गया जो कि 2.9 हो सकता है। यहाँ से रोम को कम्प्लीटली वोल्टेज मिल रहा है और रैम को जो भी वोल्टेज मिलना चाहिए वो यहाँ से 1.1 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है और 0.6 की वोल्टेज यहाँ से नहीं मिल रहा है। ये कन्फर्मेशन के लिए ये 0.06 की वोल्टेज है या फिर अदरवाइज कुछ इस पे वोल्टेज है, इसको कन्फर्मेशन के लिए हम सिमेस्टिक ओपन करेंगे। दोस्तों हर वक्त हमारे पास सेम मॉडल की सिमेस्टिक आपको नहीं मिलेगा, आपका खुद का नॉलेज लगाकर आपको फाइंड करना है सिमेस्टिक पर, क्योंकि फंडा एक ही है। जो भी फ़ोन आपके पास आए आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन को हमको कैसे ट्रेस करना है। ये जो लाइन पर हमको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है ये लाइन को हम ट्रेस करेंगे, इस पर हमको तो कुछ भी वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी ने बनाया है ये 1.1 वोल्ट की लाइन जिस तरह से जा रहा है उसके पास ही है, तो ये 0.6 की शायद लाइन हो सकता है। इसका कन्फर्मेशन के लिए हम अभी बोरेनो सिमेस्टिक ओपन करेंगे और बोरेनो सिमेस्टिक पे इसको चेक करेंगे कि ये वोल्टेज किस तरह से। मैं आज एक आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल देके बताऊंगा कि एक्चुअली हमारे पास सिमेस्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, फिर भी हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे। यहाँ से हम उसका सेटिंग वगैरह तो चेक कर लिए, यहाँ से कुछ सेटिंग वगैरह भी तो नहीं है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे हमारी जो आईसी लगती है, जो आईसी से हमारी ये वोल्टेज आउटपुट होती है, ये जो कंपनी ने बनाया है एक एक्स्ट्रा बॉक्स सप्लाई 1.1 वोल्ट और 0.6 वोल्ट के लिए शायद ये बनाया है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि आईसी को हमारी सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, बीपीएस पावर यहाँ से हमारी आईसी को मिलता है कि नहीं। यहाँ से वोल्टेज मोड में फिर एक बार हम सेट करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि हमारी आईसी को जो ये तो दोनों आईसी लगती है जो कि एक्स्ट्रा बॉक्स सप्लाई यहाँ से आउटपुट करता है। मैं सिमेस्टिक के थ्रू इसको चेक करके आपको बता दूँगा। हमारे पास ये जो मॉडल है उसका तो सेम मॉडल का आपको सिमेस्टिक नहीं मिलेगा। हम कैसे ट्रेस करते हैं, जो सिमेस्टिक हमारे पास नहीं होते हैं उसको कैसे ट्रेस करते हैं, हम इस वीडियो पे बताएंगे। ये देखिए यहाँ से भी कुछ आउटपुट वगैरह नहीं होता है, जो कि यहाँ से कुछ आउटपुट होना चाहिए क्योंकि सब वोल्टेज आ रहा है, ओनली 0.6 का वोल्टेज यहाँ से नहीं आ रहा है और यहाँ से हाई एल डी यू की लाइन जो हमारी 2.0 यहाँ से भी बन रहा है। तो यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से बीपीएस, ये देखिए यहाँ से बीपीएस पावर भी कम्प्लीटली बन रहा है, यहाँ से कुछ भी इशू नहीं है, आईसी को बराबर सप्लाई मिल रहा है, यहाँ से हमारी आईसी से आउटपुट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से तुरंत हम तो आईसी को चेंज नहीं कर सकते, हम पहले सिमेस्टिक के थ्रू जाएंगे। पहले हम ओपन करेंगे बोरेनो सिमेस्टिक को, बोरेनो सिमेस्टिक पे हम कौन सा मॉडल ले रहे हैं ये मॉडल को चूज करने के लिए आप देख लेंगे। मैं जो मॉडल आज आपको सिमेस्टिक के थ्रू बताऊंगा वो मॉडल पूरी अलग है, ये मॉडल पूरी अलग है। ये रियलमी के आप बोल सकते हैं कि C11 2021 का C11 बोल सकते हैं या C21 MTK बेस। यहाँ से हम Redmi 9A का एक मॉडल लिए है क्योंकि Redmi 9A पे हमारी रैम लगती है अलग और हमारी रोम लगती है अलग। यहाँ से हमारे रैम के सेक्शन को देखने के लिए और रैम के पास ये जो दोनों आईसी आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो हमारी रियलमी C21 पे वही सेम आईसी रेडमी 9A पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं इसीलिए ये मॉडल को चूज़ किया, ये मॉडल पे आपको दोनों आईसी मिल जाएगा, YYZ और YYYZ इस तरह से कुछ दोनों आईसी आती है जो कि एक्स्ट्रा बॉक्स का, मेरे को लगता है कि एक्स्ट्रा बॉक्स सप्लाई यहाँ से कंपनी ने मॉडिफिकेशन करके दिया है, डायरेक्टली पावर आईसी से ये आउटपुट नहीं है, ये एक्स्ट्रा एक सप्लाई बनाया है रैम के लिए, जो कि ये सब
अगर ये सप्लाई मिसिंग हो जाएगा आपकी ऑटो एमटीके पोर्ट शो करेगा और आपकी फ़ोन जितने भी बार आप सॉफ्टवेयर करो जो भी करो ये काम नहीं है। ये देखिए ये जो मैंने रेडमी 9A पे ये जो सर्वे किया हूँ एक्स्ट्रा बग ये जो लिखा है एक्स्ट्रा बग LDR जो LPDR जो लिखी है VDD RAM के लिए ये VDD Q जो EMI VDD Q ये RAM की सप्लाई 0.6 volt ये जो सप्लाई देख रही है ये स्विचिंग सप्लाई है S1 और SW1 और SW2 जो स्विचिंग सप्लाई है ये स्विचिंग सप्लाई यहाँ से हमारी 0.6 volt हमारी RAM को मिलता है। जब आपकी EMMC प्रॉपरली कनेक्टेड होगा तब ये वोल्टेज आपको शो करेगा और ये जो वोल्टेज है ये IC के पास जो हमारी YZJ या फिर YYZ ये दोनों IC के पास आपका एक पे RAM की सप्लाई 1.1 volt और दूसरे पर आपको जो दोनों IC बैठता है और दूसरे पर आपको 0.6 volt ये दोनों का सप्लाई कंपनी ने एक एक्सटर्नल करके बना दिया है और पावर IC से ये बंद कर दिया है। इसके पास जो दोनों कॉइल लगती है एक बॉब कॉइल लगती है और ए IC के पास और जो भी U2801 और 2802 ये भी देखिए ये भी एक्स्ट्रा बॉक LPDDR जो लगती है हमारी RAM लगती है वो भी जो दोनों IC यहाँ से Redmi 9A पे आप देख रहे हैं वही सेम फंडा है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लाइन पर आपको ट्रेस करना है। आपके पास अभी हम अगर भाग जाते हमारे पास तो सिम स्टिक नहीं है और इसको कैसे फाउंड करते कस्टमर को रिटर्न कर देते ऐसा सही बात नहीं है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लाइन पर आपको ट्रेस करना है। ये दोनों सप्लाई आपकी कहाँ से जा रही है ये भी कंफर्म होना चाहिए। U801 आपको भी पता है Redmi 9A पे आपको ये जो IC लगती है U801 आप सिमास्टिक के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर सिमास्टिक हो उसको चेक करेंगे ये 801 के जो 801 IC लगती है उसके पास ही ये वोल्टेज जा रहा है। तो ये दोनों का वोल्टेज 1.1 volt और 0.6 volt ये दोनों वोल्टेज हमारी RAM को जाती है। ये दोनों का सप्लाई आपको ROM से नहीं इसका ROM से कोई भी लेना देना नहीं है। ROM को 1.8 volt और 2.8 volt मिलना चाहिए और RAM को 1.1 volt और हमारी 0.6 volt से हमारी RAM एक्टिव होती है। अगर यहाँ से 0.6 volt की लाइन हमारी मिसिंग नज़र आया तो इस कंडीशन पे भी ये फ़ोन पे ऑटो MTK पोर्ट शो करेगा आपकी फ़ोन ऑन नहीं होगा। यहाँ से जो हमारी U2801 Redmi 9A पे लगी है 1.1 volt ये दोनों सप्लाई दोस्तों हमारे RAM को जाती है और ये दोनों IC आप चेक कर सकते हैं Redmi 9A पे ये दोनों IC बैठता है। मैंने इसीलिए Redmi 9A को एग्जांपल के लिए लिया हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि Redmi 9A पे भी वही सेम IC लगती है और ये IC आपका MTK फ़ोन पे जितने भी लेटेस्ट MTK फ़ोन आप सर्वे करेंगे MTK फ़ोन पे भी आपको इस तरह से एक्स्ट्रा बॉक्स एक सप्लाई देकर कंपनी ने अभी निकाला है जो कि RAM को दिया जाता है ये सप्लाई। अगर ये सप्लाई मिसिंग होगा तो आपकी फ़ोन ऑटो MTK पोर्ट में जाएगा। आप जितने भी बार आप इसको सॉफ्टवेयर करेंगे या फिर जो भी करेंगे ये कुछ भी काम नहीं करेगा। यहाँ से हम ये जो IC है इसको एक नया लगाएंगे यहाँ से इसको रिवल वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि ये तो छोटा सा IC है इस पर कुछ इशू नहीं हो सकता। इसको चेंज कर देंगे उस पर तो ऐसा ही इस पर वाटर डैमेज नहीं है तो यहाँ से हम मदरबोर्ड को थोड़ी सी क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद हमारे पास एक स्क्रैपिंग बोर्ड है स्क्रैपर से हम ये IC को ओपन करेंगे। इस पर जो IC लगती है अदरवाइज आप IC इस पर लगा सकती है इस पर कोई मसला नहीं। सिर्फ आपको देखना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर है या नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये RAM की सप्लाई के पास लगता है कि नहीं और ये एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर है या नहीं। आपको जब कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हम RAM के सेक्शन पर ये वोल्टेज जा रहा है तब ये IC को आप तुरंत चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर IC रिप्लेसमेंट कर दिया है और जो पुरानी वाली IC था उसका मॉडल नंबर अलग है वो शायद Y से स्टार्ट होगा YZ इस तरह से कुछ होगा। इस पर कोई मसला नहीं आप सिमास्टिक के थ्रू इसको फाउंड करेंगे तो ये अलग से नेम से आ जाएगा। हम अभी चेक करेंगे हमारी जो 0.6 volt की लाइन मिसिंग था वो लाइन यहाँ से बराबर आ रहा है या फिर इस पर वही सेम का सेम कंडीशन है। अगर 0.6 volt यहाँ से मिसिंग होगा तो ये हमारी फ़ोन कभी भी ऑन नहीं होगा ये हमारी MTK पोर्ट में ही जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ से हम फिर एक बार चार्जर लगाते हैं और यहाँ से चेक करते हैं
ये देखिए दोस्तों, जब हमने आईसी को रिप्लेस कर दिया, यहाँ से 0.06 की वोल्टेज यहाँ से बराबर आ गई है, और यहाँ से हमारी वी रैम की सप्लाई 1.1 वोल्ट भी आ गई। यहाँ से 0.06 की वोल्टेज हमारी मिसिंग के वजह से हमारी शायद ये फ़ोन ऑटो एमटी के पोर्ट में जा रहा होगा। फिर भी मैं अभी भी कन्फर्म नहीं हूँ, अभी चेक करेंगे इसको। अभी चेक करने के बाद हमको पता चलेगा, क्योंकि इसका SLC नॉट डिफाइन था, लेकिन इसका नंद टेस्ट ओके था। नंद टेस्ट जब ओके रहेगा, उस कंडीशन पे आपकी फ़ोन 100% आपकी मेमोरी सही रहेगा, यह मैं श्योर हूँ। ये देखिए, ये फ़ोन हमारी बूटअप कर गया, और ये जो रियलमी का फ़ोन था Realme C20, ये लगभग कम्प्लीटली ऑन हो गया। और कस्टमर को डाटा तो अर्जेंट था, मेरे ख्याल से ये सक्सेसफुल रिकवर हो गया है दोस्तों। तो ये कम्प्लीटली ऑन होने तक हम वेट करेंगे। यहाँ से हमारी केबल थोड़ा फिसल गया, फिर एक बार लगाते हैं और इसको कम्प्लीटली ऑन होने तक हम वेट करेंगे, क्योंकि इस पर इतना तो मेहनत की है। तो इसको ऑन करने के टाइम जो इसका कस्टमर का डाटा है उसको अगर मिल जाएगा, अगर मेरा वीडियो कस्टमर भी देख लेगा तो भी खुशी हो जाएगा कि इस तरह से काम हुआ है। क्योंकि इस पर ज़्यादा काम मैंने नहीं किया हूँ, सिर्फ इसको ट्रेसिंग किया हूँ। मेरे को लग रहा है कि इस पर अदरवाइज कुछ इशू नहीं है, ये कम्प्लीटली बूट अप ले रहा है, जिस तरह से हमारी DC पावर सप्लाई में काम कर रहा है। मैं आशा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिलता होगा, और कस्टमर का डाटा भी सेव रहे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।